ओम शांति। आज हम एक नई बात के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। आज का प्रश्न और उत्तर। हम ज्ञान में चलते ग्रस्त में रहने वाली माताएं बहनें जो परिवार के बीच में रह रही हैं, जो ज्वाइंट फैमिली के साथ में रहकर ज्ञान में चल रही हैं, जो अपने सास ससुर के साथ में रह रही हैं, आज ही सास और ये सब जो संबंध घर में हैं, और उनके साथ चलते हुए ज्ञान में चलना यूं ही मोह की बात नहीं है। बहुत कुछ आपको सुनना पड़ता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत कुछ आपको करना पड़ता है, तब कहीं जाके आप ज्ञान में चल पाते हैं। और उसमें भी फिर अच्छी रीति नहीं चल पाते हैं, बहुत मुश्किल होती है बाबा के योग में बैठना। कई कई तो माताएं बहनें जब योग में सुबह बैठती हैं अमृत वेला, तो अमृत वेला करते समय कई कई तो सोचते हैं ये मेरे घर में आई है जादू करने के लिए। हाँ, जादू कर रही है, क्या कर रही है, मंत्र आदि पढ़ रही। तो बहुत सारे ऐसे हैं माताओं बहनों के पास में परेशानियां। और कई कई के तो पति देखो ऐसे भी हैं कि ब्रह्मा बाबा को देख करके बहुत कुछ उनके मन में गलत ख्याल चलते हैं कि ये जादूगर है फलाना ढिकाना, और ना जाने कैसे कैसे सोल तोड़ देते हैं, फोटो नहीं रखने देते, सेंटर नहीं जाने देते। तो बहुत सारी समस्याएं हैं। उसके बावजूद भी यदि बाबा की याद में रहती हैं माताएं, तो बाबा फिर उनको देखो माताओं पर कलश रखना, बाबा उनको फिर लिफ्ट भी बहुत ज्यादा देते हैं, और बाबा बड़े जो अमीर हैं उनका 1 लाख और गरीब का 1,000 इक्वल करते हैं। तो बाबा गरीब निवास ही है, अमीर निवास तो नहीं है। तो आज का मेन टॉपिक जो है कि क्या ज्ञान में चलते हमें व्रत पूजा पाठ यह सब वर्जित है, नहीं करनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए। तो आप देखिए इसे एक अलग अंदाज में कर सकते हैं। यूं तो जो आजकल लौकिक में चाहे भक्ति में चल रहे जो हैं व्रत आदि जो करते हैं, जो साल में एक बार अपने पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है व्रत, जैसे तीजा हो गई और भी ये 2-3 त्योहार हैं, करवा चौथ हो गया, और बहुत सारे स्टेट के अलग अलग तरीके से मनाए जाते हैं। तो देखिए यूं तो पतियों का पति महादेव हैं, जो सबका साजन है, सब आशिक हैं उस एक माशुक के, लेकिन यह समझने में थोड़ा अभी भी समय है। तो आजकल तो ऐसा हो गया है सजना संवरना, और बस अगर पति ने कुछ एक लाने में कमी रख दी, माताओं बहनों को यदि अपनी पत्नी को एक साड़ी महंगी चाहिए थी उसको वही साड़ी नहीं रिपीट करनी, उसकी सहेली ने बहुत सारी ज्वेलरी ली है और आपके पास में वही ज्वेलरी आपको पहनना है, तो आप व्रत किस तरीके से रखते हैं आप जानते होंगे। और जो ऐसे हैं उन्हें बुरा लगना चाहिए, जो नहीं है तो उन्हें बुरा लगने की कोई बात ही नहीं है। तो आजकल तो सब चीजें दिखावे में चल रही हैं, आडंबर है। फिर कई कई अभी इस भिखारी दुनिया में ऐसे भी हैं, भल बंधे हुए हैं, जिससे उस बंधे हुए मनुष्यात्मा से लगन नहीं लगी होती है, वो तो कहीं और अपनी लगन छोड़ करके आते हैं। तो वो भल आप रह रहे हैं पति के साथ में, लेकिन आप पूजन पाठ सब उसके मंगल कामना के लिए करते हैं, और जो साथ में जुड़ा हुआ है उसका तो अमंगल ही चाहते हैं। ऐसे भी हैं, सो इसमें आप बुरा मत मानिए, बहुत कुछ है इस संसार में जो चल रहा है। तो मेन जो टॉपिक है कि पूजन पाठ कर सकते हैं या नहीं, व्रत आदि कर सकते हैं कि नहीं, त्योहार मंदिरों में जाना दर्शन करना या इस तरह से, तो जो मेरा मानना है और जहां तक मैंने अपने जीवन में बदलाव लाई हूं, तो आप सभी जानते हैं कि एक परिवार में यदि एक ज्ञान में चल रहा है तो यह तो जरूरी नहीं, बहुत रेयर ही है कि सभी बाबा को मानने वाले हों। हो सकता है एक परिवार में 10 हैं तो उसमें से 2 भी ना मानते हों, सिर्फ आप ही हों मानने वाले। तो ऐसे ही हर जगह है जो स्पेशली ग्रस्त में है माताएं बहने। तो मैं तो ये कहूंगी जो मैंने अपने जीवन में बदलाव लाए हैं, भले आप मंदिर दर्शन करने कोई ले जाता है तो आप जाइए, व्रत रखिए, पूजन पाठ करिए, सब कुछ करिए। देखिए यदि घर में आप अपने इष्ट को या अपने सच्चे परमात्मा को, सच्चे शिव की पहचान कर ली है, आपने समझ लिया है कि मैं डायरेक्ट उसके साथ में संबंध जोड़ रखा है और डायरेक्ट वो मुझे पढ़ा रहा है, और क्यों पढ़ा रहा है, किस लिए पढ़ा रहा है, तो यह सब तो आपने समझ लिया, लेकिन बाकी समझने तैयार नहीं है। तो वो भक्ति के हैं, उनके संस्कार कड़े हैं, कोई आपकी मनोवृत्ति से कोई आपको देख करके वो आ भी सकते हैं परमात्मा के ज्ञान में, लेकिन जरूरी नहीं है ना। तो हम यदि उनको दुख दें, उनकी आत्मा को दुखाएं, और हम अपने हिसाब से चलते रहें, तो वो भी ठीक नहीं है। और जब हम व्रत करते हैं या हम जो तैयार होते हैं, जो साल 2 साल में एक बार जो त्योहार आते हैं, उसके लिए आपको सजना भी पड़े, तो आप जरूर जेवर से सजिए, आप शरीर पर अच्छे से अच्छे कपड़े पहनिए, अच्छे से अच्छी महंगी साड़ी पहनिए। लेकिन कहते हैं ना, दौलत जेब में हो तो अच्छी लगती है, लेकिन जो दौलत दिमाग पर असर कर जाए, दिमाग पर चढ़ जाए ना, तो वो दौलत अच्छी नहीं है। ठीक ऐसे ही आप जो दिखते हैं वो दुनिया को दिखाने के लिए है, लेकिन जो आप हैं वो आप समझते हैं। तो आपको
देह भान में आकर के वो सब श्रृंगार नहीं करना, आप तो आत्मा हैं, लेकिन मुझे सामने वाले का मन भी रखना है और उसके मन को दुखाना भी नहीं है और मुझे अपने बाबा का साथ भी नहीं छोड़ना है। तो यदि वो दिखावे के लिए आप कर लेते हैं तो कोई मुझे नहीं लगता है कि बाबा मना करते होंगे, लेकिन आपको फिर मैं पर नहीं आना, देह भान नहीं आना, मैं आत्मा हूं, सामने वाली आत्मा के सुख के लिए या उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए यह कर रही हूं, लेकिन बाबा यह अंदर से नहीं, सिर्फ दिखावे के लिए है। अच्छा, दूसरा पूजन पाठ या जो भी हम करते हैं तो बाबा ने हमें 5 स्वरूप बताए हैं। 5 स्वरूप में हमारा जो अनादि स्वरूप है वो आत्मा लाइट का स्वरूप है। फिर हम जब इस शरीर को पहनते हैं तो हम व्यक्त होते हैं, अर्थात हम दिखाई देने लगते हैं, अदरवाइज हम अव्यक्त हैं। तो बाबा कहते हैं आपका अनादि स्वरूप है। फिर आपका कौन सा स्वरूप आता है जब तन लेते हैं? तो आदि में हमारा देवी देवता स्वरूप है। और वो देवी देवता कौन है? जो मंदिरों में अभी जड़ चित्र विराजमान है, जो मंदिरों में पूजन पाठ होती है, वो आपके ही यादगार जो आत्माएं पूर्वज आत्माएं होकर के गई हैं वही हैं। तो आपको कितना अच्छा बाबा से जुड़ने का एक और समय मिला, एक और आपको घंटों, आपके घर वाले आपको कहें कि 5 मिनट करो तो आप 10 मिनट करो, आपके घर वाले कहें 10 मिनट करो तो आप 15 मिनट करो, वो कहें 15 मिनट करो तो आप जो है आधा घंटे करो, कितना अच्छा है। आप जो जल की लोटी चढ़ाते हैं तो देखें कि ज्ञान सागर आया है और ठीक इस गंगा जल के माफिक और वो परमपिता परमात्मा इस ब्रह्मा पुत्र नदी में आकर के हम आत्माओं को उसके मुख से, गौ मुख से ज्ञान दे रहे हैं। हमारी आत्मा इस ज्ञान को धारण कर रही है, पवित्र बन रही है, प्योर बन रही है, और आप जल चढ़ाते रहें, लोटी पकड़े रहें, इस तरह से आप अनुभव करते हुए आराम से आप उनका मान भी रख लेंगे, अपने स्वरूप में भी टिक जाएंगे और आप अपने परमात्मा को भी याद कर लेंगे। अब आता है टीका चंदन लगाना। आप टीका चंदन करिए, आत्मा यहां विराजमान है, आप उन मूर्तियों को टीका लगाते हैं, वो आत्मा जो होकर के गई हम ही हैं, है ना? तो हम ऐसे थे जो अभी भी हमारा यादगार और हमसे दर्शन की प्यासी आत्माएं अभी भी दरस की प्यासी हैं, अभी भी हमसे चाहत रखती हैं, उम्मीद रखती हैं, अभी भी वो हमसे मांगा करती हैं। तो देखो हम कितने महान हैं। तो इस तरह से आप अलग अलग तरीके से आप मंदिर जाते हैं, आप मंदिरों में विराजमान अपने आप को देखें कि हम ऐसे हैं और बहुत सारे भक्तों की भीड़ लगी हुई है और मैं सबकी मनोकामना पूर्ति कर रही हूं, मैं आशीर्वाद दे रही हूं, मैं संतोषी माँ संतोष दे रही हूं, मैं सुख शांति का जो दान दे रही हूं। तो इस तरह से आप मंदिरों में चले जाएं। अब आप जब व्रत रखते हैं अपने पति के लिए, किसी तरह का साज सज्जा करते हैं, तो आप अपनी आत्मा का श्रृंगार करिए। आप बिंदी लगाइए तो आत्मा बिंदी है, आप काजल लगाइए तो परमात्मा की याद में लगाइए, है ना? आप श्रृंगार कर सकते हैं, परमात्मा ने हमें पवित्रता का कंगन पहनाया है। इस तरह से कितना है आप कर सकते हैं, कितना सरल सहज ज्ञान है परमात्मा का, किसी को दुख नहीं, किसी को तकलीफ नहीं, किसी को किसी तरह का कष्ट नहीं देना है। और परमात्मा ने हर ड्रामा में रहते हुए हर तरह की युक्ति आपको दी है, आपको सिर्फ विधि आनी चाहिए सिद्धि के लिए। अब आप पति के लिए रखते हैं या किसी भी तरीके के किसी बात के लिए व्रत रखना कहते हैं तो आप रखिए, लेकिन आप अपने मन को किस तरफ फिराते हैं, किस तरह ले जाते हैं, कहां ले जा रहे हैं? आप परमात्मा के पास हैं या आप धरा पर हैं? आप मूर्तियों को याद कर रहे हैं कि आप निराकार को याद कर रहे हैं? आप किसी अपने को याद कर रहे हैं? आप पूजन करते समय आप अपनी माँ को याद कर रहे हैं? आपकी सास को पता चलेगा? आपके पति को पता चलेगा कि आप अपने आशुक को याद कर रहे हो? नहीं ना? तो बहुत आसान है, जरूर करिए, मना नहीं करिए। मैं एक बात बताती हूँ, हमारे लौकिक माँ के घर के सामने एक बहन रहती है, वो बहुत करीब करीब उनको 30 वर्ष हो गया होगा ज्ञान में चलते, तो उनके घर में पूजन पाठ उनको बाबा के ज्ञान में चलती हैं तो पसंद नहीं है, लेकिन फिर घर वाले बहुत उल्टा सीधा कहते हैं, यहाँ वहां जाके बोलते हैं कि देखो मंदिर बना हुआ है, घर में जल की लोटी नहीं डालती है, उतला फूल पत्ती नहीं, श्रृंगार नहीं, कुछ भी नहीं। तो देखो क्यों हम आत्माओं को दुखी करें, और क्यों देखो कहते हैं ना बद्दुआ और दुआ दोनों लगती हैं, तो क्यों हम उनके नेगेटिव एनर्जी को अपने में धारणा करने जैसा हम उनको मौका दें? नहीं देना चाहिए। और एक बात, आप बहुत अच्छे संकल्पों के साथ शुरुआत दिन की कर सकते हैं। जिस दिन आपका व्रत है, आप सामने वाली आत्मा के लिए रखते हैं व्रत, या कुछ काम बनाने के लिए रखते हैं, जैसे आप किसी का विघ्न को खत्म करने के लिए रखते हैं, तो आप उस विघ्न को हरने के लिए खुद विघ्नहर्ता बन जाइए। आप सुबह और रात में, हमारी रात जो है वो अंत है और जो सुबह है वो आदि है, शुरुआत। तो रात में आप वो संकल्प करिए जैसे आपने कोई विघ्न को हरने के लिए, तो ये विघ्न खत्म
समझो, मैं विघ्नहर्ता विघ्न विनाशक गणेश हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। इस तरह से यही आप सुबह में देखें, और आप जिस जगह पर जिस विघ्न को खत्म करना चाहते हैं वहां आप खुद को देखें भी। ऐसे नहीं कि खत्म तो होगा नहीं, कह दिया, ऐसे नहीं, फुल विश्वास, फुल कॉन्फिडेंस के साथ, है ना। अच्छा, फिर आप जैसे किसी के कमी कमजोरी है, मान लीजिए आपका बच्चा आपकी बात नहीं मानता, उसके लिए कोई कहता है व्रत रखो, तो आप उस बच्चे को अच्छे अच्छे वाइब्रेशन दीजिए, एक तो आपका व्रत भी सफल हो जाएगा, सामने वाले का मन भी रह जाएगा, आपसे कोई दुखी भी नहीं होगा, आप बाबा को भी मानते रहेंगे और आप अपने हिसाब से भी चल पाएंगे, सामने वाले के हिसाब से भी चल पाएंगे। तो आप बच्चे को बुद्धिमान देखें, शक्तिशाली देखें, उसकी विजय निश्चित है, वो अपनी जो शक्ति है उससे अधिक पढ़ाई में जो है पढ़ता है, बहुत मेहनती है। ऐसे नहीं कि मेहनत तो करता नहीं, कह तो दिया, तो उसे बुद्धिमान देखें, उसे मास्टर सर्वशक्तिमान देखें, उसे आप जैसा बनाना चाहते हैं वैसे उसे बनना बनता हुआ देखें, वो बन गया समझ लो। तो ऐसे संकल्पों के साथ आप व्रत रखिए अपने पति की लंबी आयु के लिए, यदि किसी कार्य को बनाने के लिए, यदि उनका ऑफिस में काम ठीक नहीं चल रहा, किसी आत्मा से अनबन है, कोई उनका बॉस सताता है, कोई किसी तरह से कुछ करता है, तो आप उस आत्मा को देखें, व्रत रखें, जरूर रखें, पूजन पाठ करें, लेकिन संकल्पों में आप उस आत्मा को देखें और आत्मा को देखते हुए उसे वैसे संकल्प की एनर्जी, उसको वाइब्रेशंस दें और उसे ठीक करें। तो ऐसे आप सफल करिए, बाबा से और अच्छा आप साथ ले सकते हैं, और बाबा के साथ में इन सब बातों को, इन सब कर्म को करते हुए इस भक्ति को भी आप एक ज्ञान के रूप में भक्ति कर सकते हैं। तो ऐसा जरूर करिए, सबका मन रखिए। बाबा हमें प्रेम करना सिखाते हैं, बाबा हमें नफरत करना नहीं सिखाते, बाबा हमें क्रोध से मुक्त करने की बात कहते हैं, तो बाबा कहते हैं तुम शांति के सागर के बच्चे हो, तुम प्रेम के सागर के बच्चे हो, तुम्हारा शांति गहना गले का हार है, है ना। तो हमें किसी से नफरत करने का जो है बाबा ने फरमान ही नहीं दिया, है ना। यदि आप नहीं मानते तो फिर नाफरमान बारदर बन जाते हैं। तो बाबा कभी किसी बात के लिए मनाई नहीं करते हैं, लेकिन उसका तरीका बाबा कहते हैं अपनी वृत्ति चेंज करो, और सामने वाले को भी चेंज कर पाएंगे। यदि आप में संकल्पों की शक्ति है, आप में खुद में विश्वास है, खुद को माफ करिए, फिर आप किसी और को माफ कर पाएंगे, है ना। हर एक बात बिंदु रखते जाइए, और इस तरह से उम्मीद है आप बाबा को बहुत 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 नजदीक से अपना बनाकर चलेंगे। हर एक की बात मानते हुए मन बुद्धि को परमात्मा के साथ जोड़े रखिए, और सबके साथ में तोड़ जरूर निभाना है, गृहस्थ भी संभालना है, बच्चे भी संभालने हैं, बाबा को भी संभालना है, बाबा की श्रीमत पर भी चलना है, अपने सास ससुर को भी संभालना है, अपने पति की नौकरी को भी देखना है, व्रत आदि भी करना है, सब कुछ करना है, लेकिन तरीका अब वैसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। अच्छा, ओम शांति, शुक्रिया।